गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बी एस चौहान फ्रॉम इंडो भारत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जयपुर। एक लंबे समय के बाद में हम वापस से हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर नंबर थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमने लास्ट सबसे पहले हमने जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, इस चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो लास्ट एक्सरसाइज जो इसका रह गया था वो मैं आज डिस्कस करके इसको चैप्टर को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। लास्ट जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बेसिस पे। अब इक्वेशंस के बारे में आप जानते हो, टू पार्ट्स आर इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन आ जाता है, दैट मीन्स इक्वेशन। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वेरिएबल एक्स वाई जेड। बट हियर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशंस में अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शनिंग इन्वॉल्व हो जाता है तो वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ, टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर मैंने ये लिखा है इसमें, ये इक्वेशंस में ये इक्वेशन ही है जनरली, लेकिन इस इक्वेशंस में ये साइन जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे इस इक्वेशंस को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। नाउ हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो एम है टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए जो हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यहां पे जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं टू फॉर्म्स में यूज करूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एंड सेकेंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो जो भी सॉल्यूशंस होगी जहां पर हम यहां पर साइन जो फंक्शंस है एक्स की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन टू पाई एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात करते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो ये जीरो हो गया आपका, और जीरो से लेकर टू पाई के इक्वल नहीं जा रहे हम, टू पाई से जस्ट लेस देन, और जीरो से ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब यहाँ पे कॉट एक्सिस की बात आई गई तो ये तो आपको मालूम ही होगा इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं वो सभी जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मींस साइन कॉस टेन, मेन हम साइन कॉस एंड टेन की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें साइन पॉजिटिव होता है एंड अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड जो है वो टेन पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। लास्ट फोर्थ cos पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। इन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में हम जनरली साइन cos 10 के साथ चलेंगे बिकॉज sec और cosec और cot जो हैं उनको हम ऑटोमेटिकली 10 sin और cos में हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस जो हैं इसमें ऑल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। यहाँ ऑल सॉल्यूशंस का मीनिंग है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ऑल सॉल्यूशंस मीन फ्रॉम जीरो टू टू पाई, अगेन टू पाई टू, अगेन दिस वन फोर पाई, अगेन फोर पाई टू, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये चलता ही जाएगा और ऑल सॉल्यूशंस इसमें शामिल होते जाएंगे। इन जनरल सॉल्यूशंस को आपको याद रखना होगा और उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, हाउ वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। नाउ वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर बुक,
सपोज वन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन इज गिवन साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री बाई टू. इज साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, इट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. अब आपको यहां पे देखना ये कि ये जो वैल्यूज हैं ये उस वैल्यूज के साथ में साइन के साथ में वैल्यूज ये मैच हो रही है नहीं. अगर मैच नहीं हो रही है तो इट इज द नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स यहां पर सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा. बट रूट थ्री बाई टू जो है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है. मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन पाई बाई 60 डिग्री. तो यहां अपन लिख सकते हैं साइन पाई बाई थ्री. अब ये पाई बाई थ्री साइन एक्स इक्वल टू, मैंने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री. अब यहां पे कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो एक्स की जो वैल्यूज है एक तो पाई बाई थ्री होगी. अब साइन पॉजिटिव कहां कहां है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखेंगे और साइन पाई माइनस, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई बाई टू में वैल्यू चेंज होती है, पाई में चेंज नहीं होगी. तो हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई थ्री. पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन्स इट इज द पाई एंड इट इज द जीरो एंड टू पाई. It is the pi by 2 and it is the 2 pi by 3. So pi by 3, that means second quadrant. Or sine, इसको पूरा solve कीजिए, 3 into 1, 3, 3 minus 1, 2 pi by 3. तो values कितनी आ गई, x is equal to, अब यहां पर values को find out करने के लिए simply आप ये सोचिए, दिमाग में रखना, कट नहीं हो रहा वो, आपको ये as में, suppose sin और ये sin कट हो गया, for example, लेकिन कट करना नहीं है. So x is equal to pi by 3, तो 1 is pi by 3 and second is 2 pi by 3. जो only this जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में जो मैंने आपको कहा था x लेस देन 2 पाई और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस रेंज में जो वैल्यूज हैं इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो ये आपने जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं. अगर इसी में अगर हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं लिखता हूं साइन x इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू थ्री टू, तो यहां पे आ जाता है साइन एक्स इज इक्वल टू, ये आपका बन गया साइन पाई बाई थ्री. यहां पर टू पाई बाई थ्री फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. ओनली इफ यू टेक द सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू है वही आप लिखिए, सिंगल जो भी वैल्यूज आ रही है पाई बाई थ्री. तो अब यहां एक्स इज इक्वल टू जो जनरल सोल्यूशन है उसके लिए आप लिखेंगे एन पाई प्लस माइनस वन होल पावर एन पाई बाई थ्री. ये जो वैल्यू है वो आपको यहां लिखनी है. और एन यहां पे क्या है, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स जेड, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग यहां पे साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. ये जनरल सॉल्यूशन मैं पहले आपको लिख देता हूं, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन. पहले हम लिखते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई. सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, सो व्हाट इज द एक्स, ये है आपको फाइंड आउट करना है. तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, और ये आपका मेन जो आपने यहां पर पाई बाई थ्री फाइंड आउट किया, इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व करके आपको शो किया, अदरवाइज आप वाई को कंफ्यूज करते. तो यहां पर यह पाई बाई थ्री हो गया. सिमिलरली सेकेंड आप लिखते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो व्हाट इज द एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू यहां आप लिखेंगे 2n पाई, इट इज द n 2n पाई n प्लस माइनस, यहां आप लिखेंगे y जो आपका ये पाई बाई थ्री बन रहा है. सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड 10x इज इक्वल टू 10y, सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू n पाई n प्लस y. So, ये है जनरल सॉल्यूशन, दिस वन एंड दिस वन.
अब यहां मैंने sec, cosec और cot को मैंने यूज नहीं किया, आप कहोगे क्यों? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम sin और sin को हम cot में ऑटोमेटिकली सॉरी cosec में ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे sin को x को क्या लिखूंगा, sin x इज इक्वल टू वन अपॉन cosec। सपोज यहाँ पे इक्वेशन आती है cosec x इज इक्वल टू cosec y, तो व्हाट इज cosec x? cosec इज वन अपॉन sin x और cosec y इज वन अपॉन sin y। टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin x इज इक्वल टू sin y। फाइनली मैं कहना ये चाहूंगा कि cosec को हमने sin में चेंज कर दिया, तो sin x इक्वल टू sin y वापस वही इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम sec और cot को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमें केवल लर्न करना है sin x के लिए, cos के लिए और tan के लिए। तो याद क्या रखना है यहाँ पे, सिंपल x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन होल पावर n n y, y इज द सॉल्यूशन। एंड cos x इक्वल टू cos y, जनरल सॉल्यूशन में यहां हमें लिखना है 2 n पाई प्लस माइनस y, y इज द सॉल्यूशन। tan x इक्वल टू tan पाई, यहां n पाई लिखना है और सिंपल ओनली प्लस पॉजिटिव साइन ही आएगा और देन y, वेयर y इज द सॉल्यूशन। ये है जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में मैं दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा जिसमें वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज द पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, टेन इज द पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सिमिलरली फॉर sec, cosec एंड cot। क्योंकि बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो सबके लिए पॉजिटिव है और बाकी के लिए अदर थ्री जो क्वाड्रेंट बचते हैं उसमें हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव बनता है। तो दैट मीन्स हम यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हम दो सॉल्यूशंस तो हमें फाइंड आउट करने ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए। इसके बाद साथ में आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो यहां पर एक वैल्यू में ले रहा हूं tan x इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, tan x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री। अब आपको यहां पर यह फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज माइनस वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री जो है वो किसकी वैल्यू जा रही है, यह आपको फाइंड आउट करना है। हमने यहां पर सोल्यूशन में वैसे तो आपको टेबल बनाना मैंने आपको सिखाई दिया है, वन बाई रूट थ्री इज द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई सिक्स, मीन्स पाई बाई सिक्स मीन्स 30 डिग्री। अब ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहां चलेगा नहीं, तो यहां पर आपको पॉजिटिव के लिए लाने के लिए ऐसा कुछ करना है कि नेगेटिव साइन भी रह जाए और ये वैल्यू भी कन्वर्ट हो जाए। तो नेगेटिव किस में हो रहा है, टेन जो है वो नेगेटिव कहां कहां हो रहा है ये आपको देखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में नेगेटिव एक तो यहां हो रहा है और एक वो फोर्थ क्वाड्रेंट मींस सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट, यहां पॉजिटिव है और थर्ड में भी वो पॉजिटिव है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ले नहीं सकता, तो उसको मैं लूंगा सेकेंड और फोर्थ में। अब सेकेंड में अगर मैं लेता हूं तो मैं कैसे यूज करूंगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, बिकॉज टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई सिक्स। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू, उसका सॉल्यूशन क्या है, आंसर वही है माइनस टेन पाई बाई सिक्स। बिकॉज सो वी राइट फोर माइनस टेन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये मैं लिख सकता हूं। अब एक और हमें लिखना है एंड, अब हमें लिखना है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो टेन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टू पाई, तो टू पाई में भी चेंज नहीं होगा डेफिनेटली, ये टू पाई है और ये पाई आ गया था आपका पाई माइनस। अब यहां टू पाई माइनस, टू पाई माइनस अगेन पाई बाई सिक्स, बिकॉज टू टेन टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज आल्सो इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई सिक्स। इसकी वैल्यू भी यही है और इसकी वैल्यू भी यही है,
लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं रखना है, यहाँ पॉजिटिव रखना है, इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो अब आपके साथ में एक तो बन गया 10, अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा। ये एलसीएम लेंगे 6 - 1 5π/6 एंड इसको भी पूरा सॉल्व कर लीजिए आप। 6 एलसीएम लेके 6 × 2 = 12 और 12 - 1 = 11 11π/6 तो वैल्यू क्या हो गई, ये 10x तो चल ही रहा आपके साथ में एज इट इज। सो x इज इक्वल टू वन सॉल्यूशन इज 5π/6 एंड सेकंड सॉल्यूशन 11π/6 इट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ये आपने फाइंड आउट कर लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब आप यहां पर अगर आप जनरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप लिखेंगे π - π/6। इसी क्वेश्चंस को एक बार मैं वापस से सॉल्व कर रहा हूं, वापस मींस एक बार वापस मैं लिख रहा हूं 10x इज इक्वल टू -10 π/6 ये एज इट इज वही है π/6। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 10 जहां पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव कहां आ रहा है वो सेकेंड क्वार्टर में ही, तो मुझे ये लेने की जरूरत नहीं, यहां पर चाहे तो ले सकते हैं लेकिन यहां पे ही है तो मैं सॉल्यूशन यही लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑटोमेटिकली वो सभी के लिए आ जाएगा π - π/6 और ये बन जाता है आपका 10 5π/6 एंड दिस इज 10x। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, नाउ जनरल सॉल्यूशन सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू, अब जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए n π + उसमें प्लस ही रहेगा +5π/6 इट इज द आंसर। तो मैंने यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करना बता दिया जहाँ पे हम दो आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं और एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस के लिए जब भी अगर कोई नेगेटिव है तो वो फर्स्ट नेगेटिव लेना, पॉजिटिव है तो फर्स्ट पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको कंप्लीट ये एक्सरसाइज में, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत ही कम है तो आप इजीली आप एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट कर सकते हैं जिससे कि हम इस चैप्टर थर्ड को कंप्लीट करें और कल से हम चैप्टर नंबर फोर्थ को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम एक न्यू क्वेश्चन के साथ में, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल ही है आपके बुक का और न्यू क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ टाइम ले रहा हूँ इसको रब करने के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, ओके नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 cos² x + 3 sin x इज इक्वल टू 0। जनरली अगर जब भी आपको यह कहा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। और अगर स्पेशली कहा जाए फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बट ऐसी इक्वेशंस में हम जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, फंक्शन जो है यहाँ पे एक तो साइन एक्स है कोस एक्स है, दोनों फंक्शन डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन सेम रखना है।
या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट करो या दोनों को साइन में कन्वर्ट करो। अब मैं साइन को यहाँ पे कॉस में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता है, लेकिन कॉस स्क्वायर को मैं साइन में जरूर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब वो कैसे कर सकते हैं, टू आपको ये तो 10th क्लास के फॉर्मूले आपको लानी होंगे। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स प्लस एज इट इज 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एक हो गया आपका। अब मैं यहां पे इंटू कर रहा हूं 2 × 1 = 2 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस 3 साइन एक्स एंड इज इक्वल टू 0। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, यस इज करेक्ट। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ध्यान से देखो, अगर साइन को हम एक्स लेट कर लें फॉर एग्जाम्पल, तो 2x² + 3x + 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर के जो टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको सबको इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 sin² x, लेकिन लिख इधर रहा हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट किया -3 sin x, इसको उधर शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा -2 और इज इक्वल टू क्या बन जाता है 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 × 2 = 4 है, 4 के आपको फैक्टर करने हैं और 4 × 1 = 4। आप चाहे तो 2 × 2 भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर कौन सा मैच करेगा, हमें बीच में क्या चाहिए 3। 4 × 1 = 4, प्रोडक्ट में 4 आ रहा है और 4 - 1 = 3, तो हम लिख सकते हैं 2 sin² x। माइनस की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, तो मैं 4 को पहले लिख रहा हूं -4 sin x और +1 sin x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल राइट साइन एक्स एंड -2 एज इट इज एंड इक्वल टू 0। -2 को एज इट इज लिखा है, ये एज इट इज लिखा है, मैंने केवल इसको ब्रेक किया -3 sin x को। यू कैन राइट -3 sin x इज -4 sin x + sin x, इसको सॉल्व करोगे तो वापस वही आएगा और इनको इंटू करते हैं तो -4 आता है और मुझे -4 ही चाहिए बिकॉज प्लस माइनस, तो 2 × 2 ये -4 है, -4 को ही ब्रेक करना था और ऐड और माइनस करने पर -3 भी आ रहा। अब 2 के पैर बन गए, ये 2 का पैर और एक ये 2 का पैर, और अगर रॉन्ग किया भी है तो आगे आपकी गलती पकड़ी जाएगी। ओके, तो यहां से हम कॉमन लेते हैं, 2 इज कॉमन एंड साइन एक्स इज कॉमन, ब्रैकेट यहां एक तो बन मिल जाता है आपको साइन एक्स और माइनस, ये साइन एक्स कॉमन चला गया, 4 के साथ में आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आपको मिल गया 2 प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यू टेक द 1 कॉमन और एज इट इज साइन एक्स -2 = 0। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब दैट मीन्स योर फैक्टर इज करेक्ट। सो अगेन दिस नंबर इज दिस ब्रैकेट इज द टेक द कॉमन, साइन एक्स -2 इज द कॉमन एंड आपको मिलता है 2 sin x + 1, 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स आर 0, दैट मीन्स मे बी साइन एक्स -2 इक्वल टू 0 और मे बी 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये लेते हैं तो आपको मिलता है साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 जो है साइन में किसी की भी वैल्यू नहीं है तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने कहा था आपको कि जब भी यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आए जिसमें कि साइन डिफाइन नहीं हो रहा है, साइन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, 2 इज द नॉट वैल्यू ऑफ साइन, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइन। सेकेंड को लेते हैं तो आपको मिलता है साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करते हैं -1 और 2 को उधर शिफ्ट करते हैं तो -1/2 और 1/2 जो है वो डिफाइन है और साइन एक्स में 1/2 किसके वैल्यू होते हैं ये आपको देखना है। माइनस को अभी मैं एज इट इज रख रहा हूं, आपको सिंपल 1/2 रखना। अब 1/2 जो वैल्यू है वो साइन 30° होती है, दैट मीन्स π/6, तो आप लिख सकते हैं साइन π/6।
लेकिन मुझे यहाँ नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, तो हमें साइन फंक्शन को ऐसे चेंज करना है जिससे कि नेगेटिव वापस हमें वैल्यू वही माइनस साइन टू पाई बाई सिक्स मिल जाए। तो साइन किस में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है सबसे पहले, तो ये बनता है पाई प्लस, पाई प्लस में आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे चेंज करके बताता हूँ, पाई प्लस पाई बाई सिक्स में कॉमन चेंज तो होगा नहीं, तो वापस क्या आएगा, लेकिन प्लस पाई बाई सिक्स का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में सॉरी, और थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो वापस मिलता है माइनस साइन पाई बाई सिक्स। तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, सॉल्व कर लीजिए, कॉमन एलसीएम इज सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन पाई बाई सिक्स। फाइंड द टेक द जनरल सॉल्यूशन, साइन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो है एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, और यहां पे आपको लिखना है ये वैल्यू सेवन पाई पाई सिक्स, इट इज द आंसर। अब वैसे तो यहाँ पर यहाँ भी नेगेटिव होता है, आप ये सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है सेवन, वही आपको यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली बार बार जब यूज़ करोगे एन, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, वेयर एन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, तो उसके अकॉर्डिंग 7 पाई बाई 6 के साथ में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आने के बाद में माइनस वन की जो पावर चेंज होती जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया n पाई प्लस एन माइनस वन पावर n 7 पाई बाई 6, इट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया है आज, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड। तो आज मैं चैप्टर थर्ड को कंप्लीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखा है, कंप्लीट ही है ये। चैप्टर नंबर फोर्थ अपन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड डे।